हम लोगों को बोलेंगे कि आपकी पीछे से पैंट फटी हुई है। बट एक्चुअली में उनकी पैंट नहीं फटी हुई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल टॉम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। भाईजान आपकी पैंट फटी हुई है पीछे से, बीच में से हाँ पूरी फटी हुई है। हाँ रक्षा यार, भाईजान ये बहुत ज्यादा पैंट फटी हुई है आपकी, ये पीछे सिलाई गई हुई है। सिलाई कैसे हैं, अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो भी अपने दोस्त के साथ राहिल भट्टी के साथ, आपको उससे मिलवाते भी हैं और मज़े मज़े की बातें भी करते हैं। चले आए चलते हैं। आगे तुम जिम यार, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी चलो भाई, आओ तुम्हें बाइसेप लगाऊं। सर ये जो आप देख रहे हैं इनकी बॉडी है, सारी हमारी मेहनत है भाई। पार्ट टाइम हम क्या है, ट्रेनर भी है। ट्रेनर भी है भाई, ट्रेनर का बताएं। 100-100 किलो लगवाते हैं बड़े साले बाद। खुद कितना मारता हूं? 500 किलो एक हाथ में, 500 दूसरे में। अरे यार थैंक यू, चलो अब मिलते हैं जिम करके। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, आपको दिखा सकते हैं। आप बताएं खेल कौन रहा है? खेल तो अभी पहली बैटिंग है आपके साथ, मैं भी पहुंच रहा हूं। बैटिंग है और खेल में छक्का मार दिया भाई, इतना ही बदल देंगे। इस टाइम खेल रहा है रोनाल्डो शायद। नहीं रोनाल्डो नहीं खेल रहा, दिखाते हैं रोनाल्डो हमारी टीम में नहीं है क्या? बता कौन जीतेगा भाई, क्या लगता है तुझे कौन जीतेगा? यार मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जीतेगी, लग क्या रहा है, कंफर्म है मुझे भाई, कंफर्म पाकिस्तान जीतेगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन जीतेगा। हाँ तुम कितने बोल रहे हो, हम काम करते हैं ना तुम्हारी तरह बेली थोड़ी। अबे नहीं भाई काम, अबे नहीं काम। ओ चक्का राहिल, मजा आ रहा है। गाइस हम लोग चाय पी रहे हैं और इस वक्त चाय पी रहे हैं हम लोग। गाइस हम चाय पी रहे हैं ढाबे पे बैठ के, ये ढाबा दिखाएं जरा लोगों को। चाय मैच के साथ साथ चाय का भी एंजॉय कर रहे हैं। अभी इंटरवल आया है तो हमने सोचा बाहर आए चाय वाय पिए, अंदर बैठ के। सॉरी राहिल कैसा लग रहा है? ये राहिल है बेसिकली प्रैंक्स करता है, आप लोगों को बहुत हंसाता है। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे इसका चैनल आता है। अबे दूसरे नंबर पे क्यों भाई, पहले नंबर पे। और चैनल का नाम जो है वो डम प्रैंक है, आप जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो राहिल थोड़ा अपने बारे में बताएं ना। अपने बारे में तो लोगों को पता होगा मेरे, ये अब्दुल कयूम है, इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है और हम पुराने दोस्त भी हैं। तो आप लोग जाए इनके चैनल विजिट करें जाके। आप बताएं क्या नाम है फिर से? अब्दुल कयूम, और इसका राहिल का डम प्रैंक है, इसको जाके डम टीवी, हाँ डम टीवी, इसको चैनल को जाके लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।
मजे मजे अपने का भी तो बताएं कि उसको भी तो करें घंटे पे मारें। हाँ वो तो घंटा बैल बजाएं। अब्दुल कयूम का जाके चैनल सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस देखें, इनकी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, शायद आने वाली हैं। आ भी रही हैं पक्का। हाँ ये ना हो कि लोग आए और आए ही ना फिर। नहीं नहीं जबरदस्त आ रही हैं। और आपको राहिल बहुत गुड विशेज हैं आपके लिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बताएं अभी कोई प्रैंक श्रैंक करें आपके साथ? आप पब्लिक के साथ करते तो हम आपके साथ थोड़ा सा नहीं, अभी तो सिर्फ मैच इंजॉय करेंगे और चाय पी रहे हैं। अच्छा तो आपको क्या, मैंने सुना आपको लग रहा है इंडिया जीतेगा, आप क्या पाकिस्तान जीतेगा? पर टेस्ट तो वही है यार, है ना, जो पी थी हमने बाहर अभी होटल पे बैठ के ढाबे पे बैठ के, टेस्ट तो वही है। नहीं आपको क्या लगता है मैच कौन जीतेगा? मैच मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान ही जीतेगी, तो पाकिस्तान ही जीतेगी। सब दिल लगा के बैठे हैं, पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं जीत का। बिल्कुल आगे क्या होता है? मुझे तो भरोसा है उस पर और अपनी टीम पे, तो वो इंशाल्लाह जरूर जीतेगी। चाय कैसी लगी ढाबे? चाय तो वही है, सेम टेस्ट, वही तुम वही चाय, दोबारा मिल ली है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा जिंदगी में। अच्छा राहिल मुझे ये बताओ, डम टीवी को कितना अर्सा हो गया? यार हमें तो 4 साल हो गए। चार साल। और ये प्रैंक में आए कैसे सोच में आया यार? यार ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, फिर मिलेंगे। नहीं लेकिन शॉर्ट तो बता सकते हो कि कैसे आया और कैसे स्टार्ट किया? यार ये मैं तो अपने भाई की वजह से आया था, तो उसके बाद करते करते ये सिलसिला चलते करते आज। कभी प्रैंक करते हुए ऐसा कुछ हुआ है कि पब्लिक तंग हुई और बहुत मारा? तंग नहीं हुई, खुश हो। नहीं वैसे मारा हो जिसके साथ प्रैंक हुए लगता है? नहीं वैसे हमने पब्लिक अच्छा नहीं किसी के साथ प्रैंक हो रहा और वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, सब अच्छे से होता है। खुशी में मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, बस ये स्ट्रगल लगती है। मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, सामने देख के आप जब यूट्यूब पे देख रहे होते हो तब तो ऐसे लग रहा होता है कि हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। आप सोचते हो, बैठते हो, काम करते हो, काफ़ी मेहनत है। और पूरा टाइम कितना लगता है शूट को करते हुए? कभी कभी डिपेंड करता है कि शूट कैसा है क्या है, तो 5 घंटे 6 घंटे या पूरा दिन लग जाता है। ऐसे भी होता है, कभी 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 ऐसा होता है 2 दिन में हो जाता है, कभी कभी 3 दिन लग जाते हैं, एक उस पर जो आपका आइडिया होता है 3-3 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 2 घंटे में हो जाता है। वो लग रहा है काम है बेटा ये, आप इतने सवाल नहीं करो, सही है? नहीं आपको देख के वैसे लग रहा है कि बहुत मेहनत का काम है। नहीं अभी तो नींद आ रही है ना, अभी तो मैं यहाँ मैच देखने आया था, ये भैया हमें मिल गए। राहिल की आंखें देख के पता लग रहा है जितनी आंखें। हाँ जाहिर है, मैं सुबह से उठा हूँ भाई, सुबह से। हाँ मैं उधर क्रीक गया हुआ था, वहाँ से वो बोटिंग वगैरह ये वो सब की, तो उसके बाद चप्पलों में तुम ले आए हो हमें यहाँ पर। सही यही है। हाँ यही है भाई, यही है यही है, हम तो ऐसे ही हैं, देख लो। चाय भी, चाय ठंडी हो रही है तेरी, तुम्हारी? मैंने तो आधी पी ली। हाँ मैं भी पी ली। अब मज़ा आ रहा है कि नहीं? इस चीज़ का मज़ा तो मुझे जब से मैं पैदा हूँ तब से आ रहा है। जब से आ रहा हाँ चलो यार, मुझे रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, इससे पहले मैं इधर रो पड़ूँ। होता तो मैं शायद रो पड़ता, ये मैं जरा लोग देख ना ले मुझे रोते हुए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगता हूँ ना रोते हुए। तो फिर हमने
गाइस जाने का टाइम आ गया, इंटरवल हो चुका है, हमें काम आ गया अर्जेंट, तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए लाते ही चले आए। राहिल के पास भी चलते हैं और जाने का टाइम बन गया। चल भाई चल। अरे यार ये क्या है, मैच कम चल रहा है, एड्स ज्यादा आ रही हैं, काम भी आ गया, अब निकलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस आप लोग अब्दुल कयूम के चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और आगे बनाएंगे, बनानी भी बिल्कुल। गलाबाजी मार दो, गलाबाजी खाते। तो गाइस मैं तो अभी जा रहा हूँ कयूम, मैं तो आपसे इजाज़त दूंगा जाने की, आप मेरे चैनल के साथ और अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें, एम टीवी को भी जाके भाई जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे अच्छे प्रैंक आपके लिए ला सकें। और इस चैनल को यहीं एंड करते हैं, चैनल को लाइक करें और इस लड़के को सब्सक्राइब करें, घंटा दबा दें इस चैनल का। थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।